नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस बहुत ही खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कोशिश रहती है कि कला और सांस्कृतिक जगत के तमाम आयामों को, तमाम रंगों को आपके सामने हम पेश कर सके। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे, तो वही याद करेंगे मशहूर शायर कैफी आजमी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में। साथ ही साथ रंगीले राजस्थान की कराएंगे आपको सैर और भी होगा बहुत कुछ। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। 14 जनवरी को मशहूर शायर कैफी आजमी के जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आवाम के शायर के रूप में मशहूर कैफी आजमी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में ढेरों आयोजन हो रहे हैं और इन आयोजनों में उनके जीवन चरित्र, उनकी शायरी, उनके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री, तमाम ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में भी एक खास कार्यक्रम आयोजित हुआ, आइए आपको ले चलते हैं। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, उड़ने खुलने में है, निखत खमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश पिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्मान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। 1942 में अपने पिता द्वारा लिखी इन पंक्तियों के साथ मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी ने अपने पिता और मशहूर शायर कैफी आजमी को याद किया। अवाम के शायर कैफी आजमी के जन्म के 100 साल पूरे होने के अवसर पर इस वर्ष देश भर के कुछ शहरों में कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत एक कार्यक्रम बज्म का आयोजन राजधानी दिल्ली में हुआ। कई जाने माने कलाकारों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जलानी है। 10 वर्ष पहले कवित्री डॉक्टर अमिता परशुराम ने बज्म की शुरुआत की थी। तब से अपने हर सफल आयोजन के साथ बज्म गजल शैली को और लोकप्रिय करने में अहम योगदान दे रहा है। बज्म सुखन, देश भर से आए शायरों ने अपनी इन पंक्तियों से महफिल को यादगार बना दिया। ये इल्तिजा है मेरी, आज मुझको लौटा दो। इस मौके पर अपने पिता को शबाना आजमी ने कुछ इस तरह याद किया। कैफी जो कैफी थे, वो मुमकिन ही नहीं है कि अगर उनकी पार्टनर, उनकी साथी शौकत नहीं होती तो वो सब कुछ कर सकते। उनमें जो है एक बहुत मुलायमियत थी, बहुत सरेंडर था, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत फुतेतमादी भी थी, एक बांकापन भी था। जैसे कि मुझे उनका कोई शेर याद है, ऐसे लम्हे भी इश्क में आए, हुस्न से हमने नाज उठवाए। आमतौर पर होता उल्टा है ना, मगर ये भी है, एक शौकी थी जो उनमें थी। तो आई थिंक सिर्फ कैफी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, उस दौर के जितने शायर थे उनमें ये खूबी जरूर थी। बज्म मौसीकी, मशहूर गायक जसविंदर सिंह ने कैफी आजमी की गजलों को फिर से जीवित कर दिया। जब उठे तो दिल में डूबे, उनसे कहे आज तुम कुछ न कहो, आज मैं कुछ न कहूं, आज तुम कुछ न कहो, आज मैं कुछ न कहूं, बस यूं ही बैठे। कैफी आजमी जिंदा दिल शायर थे। उनकी शायरी और गजलों ने जिंदगी की तन्हाई को नए मोड़ दिए हैं। कैफी आजमी की शायरी और गजलों के जश्न के साथ बज्म में जुटी इस महफिल ने फिर साबित किया कि गजलों का दौर हमेशा था और हमेशा रहेगा। रंग तरंग, डीडी न्यूज़।